मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना के दादर पुल से एक महिला ने बूढ़ी गंडक नदी में छलांग लगा दिया। घटना के बाद काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर अहियापुर थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई। टीम ने मौके पर पहुंचकर खोजबीन शुरू की। हालांकि अब तक महिला का पता नहीं लगा है। स्थानीय लोगों से पुलिस ने पूछताछ शुरू की। बताया कि एक शादीशुदा महिला स्कूटी से आई थी। स्कूटी दूर लगाकर पुल से कूद गई। महिला ब्रह्मपुरा इलाके की रहने वाली बताई जा रही है। हालांकि अब तक उसकी पहचान नहीं हुई है। ब्रह्मपुरा इलाके से कुछ लोग मौके पर पहुंचे हैं। वे लोग बता रहे हैं कि उनके घर की एक महिला गायब है। आशंका जता रहे हैं कि नदी में कूदने वाली महिला वही हो सकती है। हालांकि जब तक नदी में से लाश नहीं निकलती तब तक पहचान व सत्यापन करना मुश्किल है। सर बताया क्या है मामला? सर मामला सुनने में आया कि एक लेडीज जो है दादर पुल से सुबह 9:30 बजे के करीब में कूद गई जी। और उस महिला को एनडीआरएफ की टीम को सूचित किया गया जी। टीम आकर के उसको खोजबीन कर रही है लेकिन अभी तक पता नहीं चला है जी। आपसी विवाद के चलते जो है सुनने में आ रहा है कि आपसी विवाद के चलते आकर के कहाँ के रहने वाले बताया जा रहा है? बताया जा रहा है लक्ष्मी चौक के आसपास के। बताइए क्या है पूरा मामला? सर उसका पति जो टॉर्चर बराबर करता रहता है और फैमिली के बात सुनता है पत्नी के बात नहीं सुनता। और ये पढ़ी लिखी थी ये थी जो कि बात जो है समझती थी। हम लोगों को समझाती थी कि ठीक है बाहर वो रहते हैं कभी कभार बिगड़ते हैं कोई दिक्कत नहीं। रक्षाबंधन में राखी बांधने के लिए आई थी तो उसको पति फोन किया कि नहीं तुम अभी लम्ब जो है कि तुम चले जाओ घर। तो बोली कि राखी बांध के कल चल जाएंगे तो गाली उली देने लगा कि तुम निकलो का सीधा बोलने लगा तो उसको डेरा पर पहुंचा दिया गया। अच्छा और राखी बांध नहीं पाई। इसके बाद डेरा पर गई तो सुने की फिर जो है फोन करके बहुत गाली बात धमकी उमकी दे रहा। और इसके बाद जो सवेरे फोन किया है कि ऐसे ऐसे सोनी डेरा पर से भाग गई है। तो क्या महिला का क्या नाम है? महिला के नाम ऐसे पढ़ाई लिखाई में गायत्री है ऐसा हम लोग उसको सुनी सुनी करते हैं। अच्छा कितना उम्र था? उम्र 24-25 साल होगा। कितने बच्चे थे? बच्चे नहीं। तो पति क्या करते हैं इनके? आर्मी है। क्या नाम हुआ उनका? उनका नाम जितेंद्र है। तो किस चीज़ को लेकर ये इस तरह का घटना हुआ? वो अपने फैमिली के बात पर फैमिली के पूरा फोकस करते हैं पत्नी को फोकस नहीं करते थे। वो फिर भी वो रहती थी कोई दिक्कत नहीं था। अच्छा 8 तारीख को शादी था घर में वो भी आए थे सब लोग आया था ऐसा था। तो पति से बराबर जो सो हाँ पति उसका बराबर इधर 1.5 साल से जो है डिस्टर्ब कर रहा। अच्छा बच्चा 3 साल हुआ तो बच्चा जो है रहबे नहीं करता है तो बच्चा कहाँ से हो जाएगा। आता है तो 5 दिन 10 दिन के छुट्टी में आया फिर अपना निकल गया। अच्छा अच्छा और घर के भी लोग जो है कि माने कुछ अवस्थित करता था उसे जी परेशान करता था। तो ये इन दिनों के बीच में विशेषकर कब से झगड़ा आपसी झगड़ा चल रहा था? साल भर से सर जो है ना हाँ। जम्मू कश्मीर से जब नागालैंड गया है उसके बाद से पूरा जो है ज्यादा ही हो गया है। अच्छा तो ये आज घटना कब घटी है कैसे पता चला आपको? हमको तो सर घर पर फोन किया है हाँ। तेरा साला फोन किया कि सोनी दीदी ऐसे ऐसे जो है कि डेरा पर नहीं है कहीं निकल गई है। अच्छा रहे हैं ठीक है लेकिन यहाँ पर आने के बाद मालूम है 2 महीना से कि एक लेडीज लड़की कूद गई है जी। तो पता चला कि ये नदी में कूद गई है जी। कपड़ा जिस रंग के पहने हुआ है पूछे है वही रंग बताया गया है कि उसी रंग की कलर की साड़ी पहनी हुई है। अच्छा अभी तक कुछ पता चला है? सर अभी तो खोजने के लिए एनडीआरएफ की टीम जा रही है देखिए। अभी तक कोई पता नहीं चला है? नहीं जी। कहाँ रहती थी वो महिला? लक्ष्मी चौक। लक्ष्मी चौक थाना क्षेत्र कौन हुआ जी? थाना क्षेत्र कौन हुआ लक्ष्मी चौक थाना क्षेत्र? ब्रह्मपुरा। ब्रह्मपुरा और घर के पति लोग कहाँ है? पति तो नागालैंड है। और ससुराल के और लोग सब आए हैं क्या? और लोग डेरे पर है अभी कोई नहीं आया हमको तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। अच्छा अच्छा जी। और आपका नाम सर क्या हुआ? मेरा नाम है राम अभेश। फोन किए थे। अब क्या नाम है लड़की का? लड़की का ये पति नाम है उनका सावित्री देवी। उसके हस्बैंड क्या करते? उनके हस्बैंड जीआरएफ में
ये जॉब करते हैं। महिला रहती कहाँ? महिला यहाँ अपना डेरा पर रहती थी, यहाँ चांदनी चौक के पास में डेरा लिए हुए हैं, बाल बच्चे हमारे वहीं पढ़ते लिखते हैं। उस कारण विवाद का क्या कारण कुछ पता चला? विवाद देखिए उसका कोई कारण अभी हमको पता नहीं लगा है, बस हमको भाई इतना ही, हम भाई से हमारा इतना ही बात हुआ है कि हमको आपस में इतना ही बात हुआ है कि आपस में बातचीत हो गया है, तो तुम्हें वह हुआ है और गुस्सा से वो घर से निकली है, थोड़ा पता करवाइए बड़ा भाई। तो मैंने सबसे प्रथम में मैंने अपना फैमिली को मैंने अलर्ट किया कि बहू ऐसे ऐसे घर से निकली है, बताते हैं देखिए कहाँ है। तो हमारी पत्नी मीना देवी वो निकलकर ब्रह्मपुरा और चांदनी चौक और यहाँ बैरिया तक उन्होंने खोजी है, हमारे बच्चे एवन भी उन्होंने भी खोजी है, फिर कहीं पता नहीं लगा। तो मैंने गोलू को फ़ोन किया जो कि लड़की के भाई हैं, चचेरे भाई हैं, तो उनको इन्फॉर्म किए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं खोजता हूँ। तो उन्होंने कोई उनको भी कोई पता नहीं लगा, तो मैंने गाड़ी पकड़ के मैंने फिर यहाँ भाग के आया भी। अभी तक तो कोई ये कैसे पता चला है गंडक नदी में छलांग लगा दिया? ये हमको घर से ये फैमिली ने हमको बताया, फैमिली ने हमारे बच्चे ने बताया कि पापा जी ऐसे ऐसे बात है कि एक ऑटो में हम लोग का घर का पड़ोसी लोग रहते हैं, तो वो लोग रक्षाबंधन बांध के वो लोग आ रहे थे, तो बोला कि गंडक नदी में पुल पर भीड़ जमा हुआ है और सुनने में आता है कि कोई लेडीज ऊपर से छलांग मारी। तब मैंने गोलू उस समय खोजते हुए यहाँ तक पहुँचे आपका चांदनी चौक, तो गोलू को मैंने फ़ोन करके मैं बताया कि गोलू देखिए सुनने में आ रहा है कि कोई लेडीज नदी कोई पुल के किनारा पुल पर से कोई छलांग मारा है, जाके देखिए। तो उन्होंने आए, उसके बाद से अभी तक खोजी जारी है हमारा और उनका। मैं दिलावरपुर गाँव साहिबगंज से 7 किलोमीटर अंदर गाँव से मैं गाड़ी ऑटो पकड़ के फिर बस पकड़ के साहिबगंज से फिर मैं आया हूँ यहाँ चांदनी चौक। क्या नाम हुआ? मेरा सतिंदर दास नाम हुआ। लड़का का कौन है? लड़का का मैं भाई हूँ, बड़े भाई हूँ। क्या करते हैं?